यहाँ की टिटिकाका लेक जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेविगेबल लेक है, जो यहाँ से बोलीविया से किसको बोलीविया और पेरू को कनेक्ट करती है, प्लस ये एंडीज माउंटेन के नीचे बहती है। ये जो आपको साइड साइड में जो माउंटेन्स दिख रहे हैं इनका नाम एंडीज माउंटेन है और इसके पास पास में नदी बहती है, नदी नहीं सॉरी हाँ लेक लेक। हम बोट में बैठ चुके हैं और पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, होटल के रूम जैसे लग रही है मेरे को, और यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी चल रहा है एंटरटेन करने के लिए, वाह मजा आ गया। कोका लीव्स की चिंगम ली है अभी बोटिंग के लिए, हम लोग जा रहे हैं तो इसको जैसे हम लोग चिंगम पूरे दिन मुंह में रखते हैं उसका भी, तो ये यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस से प्रिकॉशन के लिए ये सब चीज़ें कोका लीव्स की चाय चिंगम ऐसा दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा मुंह में अपने मुंह में रखो ताकि आपको जो सिकनेस का प्रॉब्लम कुछ हो तो वो ना फील हो। तो ये हमने अभी लिए और यहाँ बोट में बेच लिया, फायर सॉले से हमने बेच लिए, देखते हैं स्टमक के लिए अच्छे कोका एयर फ्लाइट में वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। लीव्स भी हम लोगों ने होटल में लीव्स की चाय बनाई थी, देखिए ट्राई करके कैसे, आप भी देखिए। थैंक यू। ये एंट्री टिकट हुरोस Argentina, two people, yeah? Yes, dos, tres, India, welcome, desde India. ये देखो यहाँ का, हम लोग अभी है फ्लोटिंग आइलैंड पे और ये यहाँ के आइलैंड पे बने हुए घर और ये लोकल लोग, यहाँ का कल्चर को देखो, यहाँ के इनका यूनिफॉर्म और ये यहीं पर ये बीज पानी में होती है उसी से सब चीजें बनाती है, देखिए घर भी इसी का बने हुआ है। टेबल लगाया तुम्हारे लिए बैठने के लिए, सोफा लगाया, यहाँ के लोकल्स लोग जो यहीं पर रहते हैं और ये फ्लोटिंग आइलैंड है जो मैंने आपको पहले कहा इस पर हम लोग बैठे हैं, देखो सामने ऐसे इनसे बनाते हैं इनको, इनका काम फिशिंग है फार्मिंग है। यहाँ पर ये आप देखते हो तो ये सब डेमो हमको दे दिया, अब ये सोविनार इनके लोकल प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनकी डिस्प्ले में चीज़ें रखी है, आप चाहो यहाँ से चाहो मतलब आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर इनकी इंस्ट्रक्शन है कि आप इनको टिप्स मत दो, ये इनकी चीज़ें खरीदो ताकि इनको थोड़ा अर्निंग का कुछ इनका काम बने, तो अच्छा है। ये सब ये जो आपको ये दिख रही है पानी में ये उगती है और इसी से सब चीज़ें बनती है, घर से लेके इनके खाना बनाने की फायर बोट और ये जो चीज़ें सब बनी है वो भी इसी से बनी हुई है।
इस वीड से, इस झाड़ी से। लेक टिटिकाका पे से सोवरेनर परचेस किया है, कितनी खुश हो गई है। अब हम दूसरे आइलैंड पे आए हैं जिसका नाम है मोइसा टिटिकाका। बोट से उतरते हुए लास्ट कैंडिडेट ऑलवेज ये है स्टैम्पिंग आइलैंड। यू हैव पासपोर्ट बायोस नंबर टिटिकाका। ये है टिटिकाका लेक का आइकॉन। सामने है वो साइड वो बोलीविया एक आइलैंड की सिटी है, दूसरे आइलैंड पर जा रहे हैं जो यहाँ से करीब दो घंटे की बोट राइड है। विद पोटैटो एंड वेजिटेबल वो खाएंगे पिएंगे। चिली चिली ठंडी हवा आ रही है। देखो पानी में भी इंद्रधनुष के जैसे कलर बन रहा है, रेनबो कलर। अभी इसके टॉप ऑफ द पार्ट से हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं और ये आप पीछे बैकग्राउंड का सीन देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं अमंतानी आइलैंड सेकंड। ऊपर चढ़ चुके हैं। माउंटेन सिकनेस की वजह से कुछ लोगों की इंक्लूडिंग हमारी थोड़ी सांस फूल गई क्योंकि थोड़ी ये चढ़ाई का आइलैंड है, लेकिन मैनेज कर लिया। कोको चॉकलेट खा के मैनेज हो गया। यहाँ पर हम करने वाले हैं लंच। स्पेशल ऑर्डर दिया है वेजिटेबल सूप के लिए। है अमंतानी आइसलैंड जिसमें अभी हमने बहुत ब्यूटीफुल लंच किया, वेजिटेबल बहुत टेस्टी लंच किया विद सूप। ये है यहाँ के अमंतानी के राजा। हमारा गाइड बुला रहा है।